वाहला मित्र आपने ख्याल छे आजे 15 सप्टेम्बर जेम इंडियन इंजीनियर्स डे मनावामां आवे छे एवी ज रीते आजना दिवसे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब वैश्विक स्वातंत्र दिन आज मनाया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, लेकिन डेमोक्रेसी की बात जहाँ आती है, लोकतंत्र की बात आती है, गणतंत्र की जहाँ बात आती है, प्रजा के हाथ में सत्ता ये बात आती है, तो उसे सार्थक जरूर करना। आज चारों ओर गुंडारा दिखाई दे रहा है, तानाशाही दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। 1 रुपये के पेपर के लिए, 1 रुपये का पेपर आप चाहते हो निकलवाना सरकारी, तो 100 रुपये का खर्च हो जाता है और आपके 10 दिन आपको वेट करना पड़ता है, तो भी कागज आपको छोटा सा नहीं मिलता है। और फिर फाइनली आप भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन देने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाड़ में गया भाई, अब बीबी बच्चों को संभालो या नौकरी को संभालो, कि मैं कागज के लिए लाइन में खड़ा रहूं। ये स्थिति जो आ गई है, तो मैं ये कहूँगी कि रियल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लोगों वड़े, लोगों माटे अने लोगों द्वारा चालतू राज्य जो बने, तो डेमोक्रेसी अपनी सफल थी जाए। आज तो बहुत घना बधा पत्रकारों और छेल्ला 1 महीना थी तो जो जुवाड़ उठो छे, ई पछी सूरतना करजणना जोशी द्वारा उठ्यो होय तोय भले, अने बीजा लोको द्वारा उठ्यो होय तोय भले, पण हूँ तो दिवस रात बधाने आवा जे कंई जागेला युवानो छे ई बधाने दिवस रात मोटिवेशन पूरू पाड़ू छू कि हूँ तमारी साथे छू। अर्धी राते जरूर पड़े तो मने बोलावो, कहीं पण थई जाय ई माटे माथू उतारवू पड़े, कोई माथू उतारी जाय एनी बहु भीक लागती नथी, कफन बांधीने बचपणथी नीकळ्या छे। पण डेमोक्रेसीनी हत्या कोई करे एने मारी नाखवामां जराय पाप न लागे, हूँ तो आवुं मानुं छुं। चंडिकानुं जगदंबानुं तो काम ज छे मारवानुं। आप जो देवी भागवत खोली, अने मैं तो देवी भागवत लिखूँ छे भाई, अने चंडी पाठने मैं रचना हिंदी में करीश, एटले मारे तो आ बधुं बहु सहज अने स्वाभाविक छे। आज सुधी कोई मारवानी जरूर नथी पड़ती, कारण कि ऊर्जा जेवुं काम करे छे कि कोईने पतावा पड्या नथी, पण पतावा पड़े तो बहु चिंता न थाय। खैर छोड़ो, वात मारे एटली ज करवी छे कि डेमोक्रेसीनुं हनन न थवुं जोईए, डेमोक्रेसीनुं वस्त्रहरण न थवुं जोईए, अने डेमोक्रेसीना नामे गुंडाशाही पड़वी न જોઈએ। અને કાલે જ તે પેલા જોશી, અમારો છોકરો છે બ્રહ્મ સમાજનો પત્રકાર, એણે કાલે જ તે એને લાઈવ હતો ત્યારે મેં સાંભળ્યો, બહુ સરસ વાત કરી, એણે ઝુંબેશ ઉપાડી હતી કે ભાઈ આટલી નોકરીઓ જઈ રહી છે કોરોનામાં, આટલી બધી ભૂખમરી બેકારી વધી રહી છે, અને આ ગધેડાઓને બેઠા બેઠા ભથ્થું મળે છે રાજકારણીઓને, અને એની ઝુંબેશથી ગુજરાતના 6.5 કરોડ લોકોને 1-1 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે। तो 30% भथ्थू घटाड़वू पड़ू सरकारी बाबूए, मतलब नेताओं 30% भथ्थू घटाड़वू पड़ू। तो आ जागृति की बात है, जे लोकतंत्र में लोग ज अवेर न हो तो तमारे घर में खाली करी करी लई जाए, खटारा भरी भरी ने तमे आ रियो, अमे लई जाए बधु गांधीनगर, अमे लई जाए बधु दिल्ली, एटले ध्यान राखजो। अने डेमोक्रेसी ने एटले कि लोकतंत्र ने, પ્રજાના હાથમાં સત્તા છે એવું પ્રજાને ફીલ થવું જોઈએ, અને ગાદી ઉપર બેઠા છે એ પ્રજાના બાપ નથી, એ પોતાની જાતને સેવક 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 નવરીના ઝંડો લઈને ફરે છે, તો એ લોકોને રિયલાઇઝ કરાવવું પડશે કે તમે સેવક છો, સેવક કેવડાવો છો, તો સેવા કરો, નોકર નહીં બનો, પગાર લઈને તમે તો નોકર બનો છો, અને નોકરને તો ગાળવી પડે ને, હા ગાળવી પડે, એટલે હું તો એમ કહું છું 30% આપણને કંઈ સંતોષ નથી, સેવા કરે એને માનપાન મળે છે, ઠીક છે, એની જગ્યાએ પ્રજા સારી છે, એની સુરક્ષા આપે છે, એને સુરક્ષિત થવી જોઈએ, નેતાને નેતૃત્વ સુરક્ષિત રહેવું જોઈએ। પણ એક વાત એની સામે ચોક્કસ છે કે જો નોકર બનશે તો લાતો પડે ને ગાળો પડે, સેવક બનો, લોકો તમારી સેવા કરશે, અને એમ જ ડેમોક્રેસી સાર્થક થશે। ઓકે ફાઇન।